बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। यकीन कीजिए, ऐसा लग रहा है कि क़यामत खेस मनाजिर और मामलात गुजरे हैं। पिछले 48 से 72 घंटों के दौरान जो इसराइल ने बर्बरियत की है, इस हालत ये हुई है कि नतन्याहू आया है, उसने कौम से किया खिताब और खिताब करके वो कहता है, मैं पूरी कौम को वाजिया कर देना चाहता हूँ कि मुश्किल दिन आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ डेज़ आने वाले हैं पूरी कौम के ऊपर, ये बड़े चैलेंजिंग डेज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पर हमला होने वाला है, अगर किसी ने हम पर हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे, बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगी और जिस तरह की सूरत हाल हम इस वक्त पैदा कर रहे हैं वो सारी दुनिया भुगतेगी। अब आप सोचें कि नतन्याहू ने यह बात क्यों कही है, उसकी वजह आपकी स्क्रीन पर चल रहा ये शख्स है। अब ये वो शख्स है यानी जो सबसे ज़्यादा हसन नसरुल्लाह के बाद सीनियर तरीन कमांडर था फवाद शुक्र, उसको लिबनान में मार दिया गया है। और पहले लिबनान के लोग कह रहे थे नहीं जी हमला हुआ है, बच गया फलाना है, वो क्लियर उन्होंने कह दिया है कि मारा गया है। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है जिसकी आप इंतहा नहीं सोच सकते कि इसराइल कहाँ तक घुसकर मार रहा है। देखिए पिछले 24 घंटों में आप देखें तो क्या तबाही नहीं हुई। अभी तो आप ये देखें कि ये नहीं पता कि ईरान का जो एयर चीफ है वो जिंदा है या नहीं है, उस बारे में भी ईरान चुप है। इसराइल के मीडिया पर खबरें चल रही हैं लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा, वो भी चुप है। सबसे बढ़कर बात हुई है कि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये असल में हसन नसरुल्लाह का राइट हैंड था। अब आप सोचें, इसको मारा उन्होंने बैरूत के अंदर और बेरूत में इतनी बड़ी मुखबरी हुई कि जिसकी इंतहा नहीं, इस्माइल हानिया को मार दिया, उसके अलावा इस शख्स को फवाद शुक्र को मार दिया और इसके साथ साथ कुछ नहीं पता कि ईरान का एयर चीफ क्या करे क्या नहीं। सूरत हाल ये हुई है कि बरतानिया से लेकर यूरोप की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और सब ने इसराइल के अंदर अपने ऑपरेशन इस वक्त सस्पेंड कर दिए हैं क्योंकि उनको पता अब हमला होने वाला है। और नतन्याहू ने इसीलिए कौम को आकर कहा, आप जानते हैं नतन्याहू आज क्या कह रहा था, इसने एक वीडियो में किसी मजाक उड़ा रहा था जब इसने इस्माइल हानिया को मारा, तो किसी ने उसको कहा, यानी इसे एक वीडियो बनाई, उसमें इसको पूछा कि तुम जेम्स बॉन्ड बन गए हो, कहता नहीं मैं नतन्याहू, नतन्याहू बॉन्ड है, यानी उसने बड़ा क्लियरली उठकर ये बात कही कि मैं जेम्स बॉन्ड से बढ़कर काम करके आया हूँ, मैंने उस शख्स को मारा है जिसको दुनिया में कोई नहीं मार सकता था। उन्होंने अभी तक एडमिट नहीं किया लेकिन सारी दुनिया को बताया मामला क्या। उधर कतर ने जो ऐलान किया है, कतर ने ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि इसराइल ने वो काम कर दिया है कि इस वक्त इसकी जो तबाही है और जो इसके अब असरात आने वाले हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और सबसे बढ़कर बात ये हुई है कि आप ये सोचें कि हाइफा के अंदर जो उनके मेयर हैं उन्होंने तमाम के तमाम लोगों को कह दिया है कि आप लोग इस वक्त सेफ रूम्स के करीब रहें, यानी शेल्टर्स के करीब रहें और तमाम के तमाम लोग इस वक्त तैयारी करें, पार्किंग लॉट्स के अंदर सामान रखें, उन्होंने कहा है कि राशन अपना तैयार रखें, जिन लोगों के घर तबाह हो जाएं आप लोगों ने उनको पार्किंग लॉट के अंदर जगह देनी है, मैट्रेस देने हैं, चीज़ें देनी है। तमाम के तमाम लोग इस वक्त तेज़ी से भागे हुए हैं, स्टोर्स के ऊपर जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो दोबारा आएंगे, वो सलामत रहेंगे या नहीं रहेंगे। और नतन्याहू ने आकर कौम को बता दिया है कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, घर आपके तबाह होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बर्बादी आने वाली है, लेकिन आपको तैयार रहना है, बड़े मुश्किल डेज आ रहे हैं लेकिन इन डेज के बाद हमने सुरखरू होना है और यही हमारी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही। हाइफा में एमरजेंसी नाफिज है इस वक्त, लोग मुकम्मल तौर पर इस वक्त डरे हुए हैं इसराइल में क्योंकि उनको पता है इन्होंने जो हरकत की है, यानी तीन तीन नाप ने एक दिन के अंदर लोग मार दिए हैं। इस वक्त ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि मुखबिर कौन था ईरान के अंदर, लिबनान के अंदर, वो तो अब इस सारी सूरत हाल में आपको पता तारीख हमारी क्या रही है, यानी हम लोग हमेशा अंदर के जो गद्दार होते हैं, अंदर के जो बेवफा होते हैं वही हमेशा नुकसान पहुँचाते हैं। फ्लाइट्स इस वक्त कैंसिल हो गए हैं, इन सब को इसराइल के अंदर इस वक्त परेशानी ये है कि बहुत सारे लोग तो चले गए हैं। आज ही जैसे ये खबर आई थी इस्माइल हानिया की, वो लोग बैग पैक करके बैठे हुए थे, वो तो निकल गए हैं। बहुत सारे जो नहीं जा सके अब वो शायद इसराइल के अंदर ही फंस गए हैं।
और सबसे बढ़कर बात यह है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका और बहुत सारे उन लोगों ने, जो जाहिर सी बात है इसराइली नहीं है, उनको कहा है कि जो जो इसराइल के अंदर मौजूद है इमीडिएटली निकल जाए। और सबसे बढ़कर बात यह है कि लिबनान के अंदर तमाम के तमाम शहरियों को बैरून मुल्क जो रहने वाले जो ममालिक हैं उन्होंने क्लियरली कह दिया हमारे जो शहरी बैरून मुल्क रह रहे हैं यानी लिबनान के अंदर इमीडिएटली निकल जाएं। और अमेरिका ने तो मना कर दिया कोई शहरी हमारा लिबनान में सुख नहीं जाएगा क्योंकि जो जंग होने जा रही है। आप सोचें अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर पहले कहा था अगर आप नहीं निकले तो फिर आप फंसेंगे वहाँ पर और इतनी बड़ी तबाही होगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हो सकता है आप उसमें बचे भी ना। देखिए एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, लीडर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मारे जाते हैं लेकिन उनके बाद जो मिशन होता है वो रुकना नहीं है। अफगान तालिबान के साथ ही हुआ था, मुल्ला उमर मारे गए, क्या वो जंग हार गए? जंग उन्होंने नहीं हारनी थी लेकिन मसला सारा ये हुआ है कि बड़ी जो टॉप, अब सुने चाइना ने क्या बात की, चाइना ने इस्माइल हानिया के बारे में जो बात की है वो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अहम है। आज उन्होंने चाइना ने बात की, उनके स्टेट मीडिया पर ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि इसराइल ने असल में इस्माइल हानिया को इसलिए मारा है ताकि वो हमास को टुकड़े टुकड़े कर सके और उनमें बहुत सारे लोगों को खरीद सके और उनकी जो जमात है उसको तबाह कर सके। वो कह रहे हैं कि जब चाइना ने इनकी सुलह करवाई है तो चूंकि ये वीक थे, अगर आपका टॉप का लीडर मारा जाता है तो इंस्ट्रक्शन नीचे तक आना, नई लीडरशिप का आना और वो आकर ग्रुप्स को मैनेज करना। अब इस्माइल हानिया साला साल से मैनेज कर रहे थे, अब जाहिर सी बात है इतना आसान तो नहीं है मैनेज करना। तो उन्होंने कहा इन्होंने ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की ताकि हम फिर हमास को तितर बितर आसानी के साथ कर सके। और वो प्लान ये है कि एक दफ़ा हम इनके लीडर को मार देंगे हम आसानी के साथ ये काम कर सकेंगे, देन हम इस सारी सूरत हाल के अंदर मूव करेंगे और यानी अगले लेवल पर जाकर हम गजा में फौजी और उतारना और दूसरा काम करना। आप एक अजीब चीज़ देखिए, ये बात बड़ी हैरान कन है। आपको याद होगा हकीकत टीवी ने आपको खबर भी दी थी कि आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है कि 15-20 दिन पहले इसराइल के अंदर एक एंटी ड्रोन सिस्टम फिनलैंड से खरीदा गया नेतन्याहू के लिए। उस ड्रोन सिस्टम का काम यह था कि नेतन्याहू के पैलेस की रखवाली करनी थी, कोई ड्रोन आना था हमला करना था और उसकी हिफाजत करनी थी। उस वक्त तक हम सब यही सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि इसराइल को खतरा ये है कि लिबनान की जानिब से हमला होगा या ड्रोन मारा जाएगा। आपको पता कि ड्रोन वो उनके घर तक गए थे सरहद अबूर पार करके, ये बात सबको पता थी कि लिबनान ने हमला करना है, इराक शाम से भी हो सकता था और होशियों की जानिब से भी। वजह नहीं पता थी किसी को भी कि ये काम हो जाएगा। अब आप जरा अंदाजा कर लें, जिन्होंने 2 महीने पहले यानी इब्राहिम रईसी को उन्होंने जब मारा था तो उसके बाद उनको पता था कि जब नया प्रेसिडेंट आएगा उसकी हलफ बरदारी में इस्माइल हानिया को इनवाइट किया जाएगा। नेचुरल सी बात है, आप गौर करें जरा कौन कौन लोग नहीं गए, ये भी एक अहम बात है। लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह कि इस्माइल हानिया को वहां पर बुलाया गया, बुलाने के बाद आप सोचो उन्होंने उससे पहले फिनलैंड को ऑर्डर कर दिया था कि भाई आपने हमें यह एंटी ड्रोन सिस्टम देना है क्योंकि उनको पता था कि हम जब की बंदा मारेंगे तो हमला इन्होंने नेतन्याहू पर करना है। आज नेतन्याहू ने आकर कहा कि काम है, तो उन्होंने कब से डिसाइड किया हुआ था। इसका मतलब है कि अंदर तक उनको इन्फॉर्मेशन थी कि इस्माइल हानिया को इन्वाइट करेंगे और फिर हम उसको टिकाने लगाएंगे। देखिए हसन नसरुल्ला को ये मार सकते हैं किसी भी टाइम, या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं। अब लिबनान के अंदर अगर उन्होंने सेकंड लीडरशिप को मार दिया है तो फर्स्ट को भी मारेंगे। प्लान उनका ये है अगर हम हसन नसरुल्ला को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो देन हम हिजबुल्ला को तोड़ने में कामयाब होंगे। मुश्किल काम होगा क्योंकि ये लीडरशिप आती है जाती है, अब ये सारा यहाँ पर देखने वाला सिलसिला होगा कि करेंगे क्या। जाहिर सी बात है लीडरशिप का फर्क पड़ता है लेकिन इसके बाद कौन उसको मैनेज करेगा, ये बड़ी जंग होने वाली है। ये आप सोचे कतर का बयान आज जो आया वो बात बिल्कुल ठीक है कि ये बड़ी तबाही। उन्होंने कहा कि आपने उस बंदे को मार दिया है, इस्माइल हानिया को मार दिया है जो नेगोशिएशन कर रहा था, बातचीत कर रहा था, आपने बातचीत किससे करनी है? यानी आप सोचे दो पार्टीज हैं आपस में बात कर रही हैं कि यार ये जंग खत्म होनी चाहिए, आपने एक पार्टी को ही उड़ा दिया है कि जो जंग अब तो, यानी सीधी सी बात आप जंग चाहते हैं, वो लेकर आया था अपने बाप से ऑर्डर अमेरिका से कि भाई ये हम सारा काम करने के लिए जा रहे हैं आप तैयार रहिएगा, ये बड़ी जंग होने वाली है। और अगला जो खतरनाक सिनेरियो है उसको समझें, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है।
और वह ये है कि ये ईरान के एटमी हमलों तक जाने वाले हैं। देखिए, इस वक्त चाइना को और रूस को आगे बढ़कर ईरान की मदद करने की जरूरत है, क्योंकि एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, अमेरिका की मदद के बगैर ये काम नहीं होगा। आज पुतिन ने और रूस ने ये बात बिल्कुल ठीक कही है, उन्होंने कन्वे किया है एक मैसेज ईरान को। उन्होंने कहा है कि एक तो ये बर्बरियत है जो इसराइल ने किया है, इसराइल को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन साथ कन्वे किया एक मैसेज कि इसमें अमेरिका भी शामिल है। तो आप ये सोचें कि चाइना इस वक्त देख रहा है कि मिडिल ईस्ट में आग लगने वाली है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि तेल की कीमतें भी ऊपर जाने वाली है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होगी। मिडिल ईस्ट पूरे में आग लगने वाली है, शायद ही अब कोई मुल्क है जो बचेगा। जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं ये बड़े तबाहकुन हालात, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये मामला आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने प्लान करके बैठे हुए हैं उनका मामला आ गया है। ईरान के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये है कि क्या वो इस बात पर इन्वेस्टिगेट करें इस हमले में। अभी तक वो दुनिया को बता ही नहीं रहे कि यार इस्माइल हानिया मारा कैसे गया, इस हमले को करवाने वाले कौन थे, कौन सी लीडरशिप आगे आई थी, कौन सी पीछे थी, क्या था। अभी तक वो इस बारे में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, ना वो बता रहे हैं। ये ईरान की बहुत बड़ी कमजोरी है। देखिए, झटका तो उनको ये लगा है जब उनको ये बात पता चली है कि यार हमारे अंदर से कोई मुखबर है, अंदर ही बैठे हुए हैं लोग जिन्होंने किया। इतनी बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो ही नहीं सकता जब तक आप अंदर से मदद ना करें इसराइल की। देखिए, एक और भी चीज़ यहाँ पर देखने वाली है। अभी तो एक लीडरशिप उनकी गई है, सवाल ये है कि लिबनान क्या वाकई उस स्टेक पर हमला करने जा रहा है कि 3000 मिसाइल। नेतन्याहू की जो तकरीर थी उसमें खुशबू था सुबह के टाइम, लेकिन खौफ भी बहुत ज़्यादा था। जाहिर सी बात है, देखिए इस वक्त जो जंग होने वाली है, आपने ईरान के अंदर मारा, आपको पता है कि इस दफ़ा ईरान जो बदला लेगा वो इब्राहिम रेसी का भी उसने बदला लेना है, क्योंकि अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, वो इस बात को छुपा गए बल्कि पी गए हैं, लेकिन उन्हें इसका भी बदला लेना है। एक तो वो इस पर हमला करेंगे, अब देखने वाली सूरत हाल ये होगी। ईरान को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अगर हमने हाइपरसोनिक मिसाइल ना मारा तो ये दोबारा करेंगे। नेतन्याहू को पता, देखिए लिबनान का हमला करना बनता है, इसराइल का बनता है, यमन का भी तैयार। नेतन्याहू ने जानते क्या कहा, उसे कौम को कहा है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। आपने देखा नहीं कैसे हमने अकेले यमन को, ईरान को, लिबनान को पकड़ लिया है, इसराइल यहाँ गलती कर रहा है। देखिए, इस बात को आप अच्छी तरह समझे, जो इसराइल की फौज है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी लड़ाई का आगाज हो चुका है, पहले तो सारे कोशिश कर रहे थे खासतौर पर कि जंग ना हो, लेकिन अब ये जंग हो गई है। अफगान तालिबान के करीब ही इस्माइल हानिया सबके करीब थे। इस्माइल हानिया ने ये बात कही थी पाकिस्तान को, उन्होंने कहा कि आप सुबह उठकर धमकी दे दें इसराइल को कि हम आ रहे हैं लड़ने के लिए, शाम तक जंग खत्म हो जाएगी। उसने कहा ये इतना डरते हैं। तो आप ये सोचें, वो सारे ममालिक के बड़े करीब थे, क्या मामला था। इस वक्त जो सबसे बड़ा सिनेरियो बनने वाला है वो ये है कि हमले इन पर होने हैं बड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमले होने हैं उस पर। देखना ये है कि अगर ये वाकई 3000 के करीब ड्रोन्स मिसाइल एक दिन में मारते हैं तो उसका आउटकम क्या होगा। अगर देखिए, आज अगर हाइफा का मेयर ये सारे उठकर कह रहे हैं लोगों को कि आपके कुछ लोगों के घर तबाह हो जाएंगे क्योंकि इंश्योर्ड है, लेकिन उन्होंने कहा जी आपके घर तबाह हो जाएंगे, तो आपने लोगों को पार्किंग लॉट में रखना है। सो इस सूरत हाल में अब लिबनान ने, कल तक तो लिबनान कह रहा था हमला हुआ वो बच गए फलाना, आज उन्होंने ऐलान कर दिया है। खुले दिल से आपको तस्लीम करना चाहिए कि आपके मुल्क के अंदर क्या हुआ, मुखबरियाँ हो रही हैं, और सबसे बढ़कर अब ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है और लिबनान को भी ये बात अच्छी तरह पता है कि ईरान के ऊपर इस वक्त होने वाला है बड़ा शदीद हमला, उनकी लीडरशिप के ऊपर होगा। आयतुल्ला अली खामनाई की इस वक्त ज़िंदगी खतरे में है। देखिए, जो इस्माइल हानिया को मार सकता है, इनके प्रेसिडेंट की मौत हो सकती है जो एक हादसे के अंदर नहीं हो बल्कि एक हमला था, तो वो क्या आयतुल्ला अली खामनाई को नहीं मार सकते? वो मार सकते हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास पावर है, उनके पास एबिलिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो इस वक्त हमले होंगे और उस हमले के जो आउटकम होने वाले हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, नेतन्याहू को तो ये ले गए हैं अंडरग्राउंड करके, आर्मी चीफ को भी ले गए हैं। आपने एक चीज़ गौर से देखी है, इस सारे सिनेरियो में इसराइल में ना मुसाद का चीफ आगे आ रहा है, ना आर्मी चीफ आगे आ रहा है, ना एयर चीफ आगे आ रहा है, ना शिनबैत का आ रहा है डायरेक्टर, एक ही बंदा आगे आ रहा है, उसका नाम है नेतन्याहू। वो
हत्ता के आर्मी चीफ कई दफा आता है, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में जंग नहीं चाहते थे, वो ग्रीन सिग्नल लेकर आ गया है। देखिए पहले तो उसको हटाने की थी तैयारी कि जी अदम एतमाद आ जाए, नितन्याहू फारिग हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब आप भूल जाए कोई अदम एतमाद आएगा कि नहीं, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतों ने उसको बैक कर दिया है। अमरीका ने इस वक्त जो इसराइल के अंदर रहने वाले, जो आपको पता है शहरी हैं, जो इसराइल की भी शहरियत रखते हैं, हत्ता कि वो है तो वैसे इसराइली और मेन वो इसराइल के अमरीका से आए हुए हैं, उनको कहा है कि आपने बॉर्डर के एरिया के करीब भी नहीं जाना, और आपने इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ मेक श्योर करनी है, अपनी ज़िंदगियां बचाएं। और अमरीका ने अंदर का मदद पूरी ऑफिशियली बयान उनका ये आया है कि ये जो स्ट्राइक किया है तेहरान पर, बैरूत पर, इससे अब लड़ाई बढ़ेगी, अब ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। लेकिन एक बदबख्ती आप देखिए ज़रा अमरीका ने क्या कहा है। अमरीका ने कहा है कि अगर हमला हुआ इसराइल पर तो हम डिफेंड करेंगे। यही अमरीका था नेतन्याहू के दौरे से पहले कह रहा था, अगर लिबनान की जंग में आपने हमें ड्रैग किया तो हम मदद नहीं कर पाएंगे। याद नहीं आपको उनके जर्नैल और उनके एयर चीफ के बयानात? अब वो क्या सूरत हाल हुई है, अब वो वहां पर गया, वो बड़ी ताकतों का उसने जाकर मामला तय किया, जो इनके भी बाप है। सो वो अब आप ये देखिएगा कि जंग बड़ी होने वाली है, इसमें अमरीका कूदेगा। ये जंग आप भूल जाएंगे कि जो शाम में, लिबिया में, अफगानिस्तान में, गजा में, ये उससे बड़ी जंग होने वाली है, लेकिन नुकसान इसराइल का भी बहुत ज्यादा होगा इस दफा, और बड़ा होगा, इतना होगा कि आप और हम बाकी सारे नुकसान भूल जाएंगे, लेकिन इसमें हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों जाने अब जाएंगी पूरी दुनिया में, हो सकता है अरबों में चला जाए मामला। उसकी वजह यह है कि अमरीका कूदेगा, चाइना कूदेगा, पूरा वर्ल्ड कूदेगा, और ये आलमी जंग बन जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।